देवियों और सज्जनों, पिछले 25 वर्षों से महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाली, करीब 30,000 महिलाओं का सहारा बनने वाली, उनके जीवन को नई दिशा देने वाली और उनकी जिंदगियों को छूने वाली स्वयं संस्था की फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुराधा कपूर जी, स्वागत किया जाए। अनुराधा जी के चैंपियन के रूप में यहाँ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ बहुत ही प्रख्यात गुणी अनुभवी एक्टर डायरेक्टर थिएटर पर्सनालिटी रत्ना पाठक शाह जी को। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। लवली टू सी यू। आइए रत्ना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबसे पहले रत्ना जी, कि आज आप हमारे साथ हैं और ये एक बहुत ही विशेष इशू है जिसके बारे में हम सब चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद मुझे आपको कहना चाहिए और केबीसी को कहना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पर इस तरह से स्पॉटलाइट करना बहुत ही आवश्यक है। जी जी, आई एम सो ग्लैड इट्स हैपनिंग। तो इसी के साथ देवियों सज्जनों शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुराधा जी, रत्ना जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ, बहुत बढ़िया खेलिएगा। पहला प्रश्न, ₹1,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ विरोध करना होता है? विच ऑफ दीज हिंदी इडियम्स मीन्स टू अपोज। ए सर कटाना, बी सर झुकाना, सी सर उठाना या डी सर चढ़ाना। सर उठाना। लगा दिया जाए। सी पे ताला लगाइए कबीर जी। सही उत्तर दिया है आपने, वाह क्या बात है। आगे बढ़ते हैं अनुराधा जी, रत्ना जी, तीसरा प्रश्न आ रहा है, मूल्य इसका ₹3,000। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस व्यंजन के नाम पर दिल्ली के चांदनी चौक में एक मशहूर गली का नाम है? आफ्टर विच ऑफ दीज डिशेज इज अ वेल नोन स्ट्रीट इन चांदनी चौक दिल्ली नेम्ड। ए जलेबी, बी कचौरी, सी चाट या डी पराठा। डी पराठा। पराठा जी। दोनों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान है कि चखा हुआ हो, क्या करें, लगा देता। हाँ जी, एक तो डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा चौथा प्रश्न, इसका मूल्य है ₹5,000। अनुराधा जी, रत्ना जी, चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। हुगली नदी के तट पर स्थित ये मंदिर ये तो आपको किस देव या देवी को मुख्य रूप से समर्पित है? आपको एक हम एक छवि दिखाएंगे, एक इमेज आपको बताना है। हु इज द प्रिजाइडिंग डेटी इन दिस टेम्पल लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर। ये देखिए तस्वीर, दक्षिणेश्वर। Anyway, let's look at our देख लिया अच्छी तरह जी। ऑप्शन रखता हूँ आपके सामने। ए भगवान विष्णु, बी देवी काली, सी भगवान गणेश, डी भगवान कृष्ण। ये विष्णु नहीं हो सकता है, गणेश नहीं, कृष्णा नहीं, काली का ही होगा। देवी काली बी जी, काली। हाँ, मेरे पास है बी देवी काली, फिर ताला लगाया जाए। अरे बिल्कुल सही उत्तर हुआ, चलो नॉट बैड। बधाई आपको। ये तो हो ही नहीं सकते। दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना 19वीं शताब्दी के मध्य में रानी रासमणि द्वारा की गई थी। सातवां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य ₹40,000। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा जंगल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का हिस्सा है
और एक बाघ संरक्षण परियोजना स्थल भी है। Which forest part of the world's largest delta, formed by the rivers Ganga and Brahmaputra, is the site of a tiger preservation project? Option सुनिए, A. Kaziranga, B. Nandan Kanan, C. Mahananda, या D. Sundarbans. रत्ना जी, दसवां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार किस प्रकार के पक्षी ने दमयंती को नल के गुणों के बारे में बताया था, जिसके बाद नल और दमयंती में प्रेम हो जाता है? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, व्हाट टाइप ऑफ बर्ड एक्सटोल द वर्चूज ऑफ नल टू दमयंती आफ्टर व्हिच द टू फेल इन लव विद ईच अदर? महाभारत के बारे में थोड़ा सा ज्ञान, थिएटर के जमाने में शायद आपने कभी नल दमयंती में कुछ नहीं किया। महाभारत के बारे में काफी पढ़ा है, मगर ये सवाल बहुत कठिन लग रहा है। ऑप्शन रखता हूं, शायद आ जाए आपके दिमाग में उत्तर। ऑप्शन सुनिए, ए पैरट, बी पीकॉक, सी आउल, डी स्वान। तोता, कुछ नहीं समझ, मोर, उल्लू या हंस? क्या करें? स्वान, जल्दी बोलिए। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, क्यों आया आपके मन में हंस? क्योंकि ये कहानी पढ़ी है मैंने, बहुत साल पहले पढ़ी है, कुछ वेगली ये हंस की बात है ऐसा लग रहा है। अनुराधा जी कह रही थी पीकॉक। नहीं, मैं पैरट कह रही सोच रही थी। आई होप अनुराधा जी, अगर आप पैरट बोलती ना तो गलत होती। स्वान इज द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं आपने, बहुत बहुत बधाई। और इस स्थल पर आकर के एक चेक आता है आपके नाम। Well, at least we got here. वाह वाह। ये है 3,20,000 रुपए का चेक करनाथ जी। Thank you. और हम जानते हैं कि इसका प्रयोग जो है वो आपकी बहुत ही नेक संस्था स्वयं के लिए प्रयोग होगा। ऑलराइट, रेडी? 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके सामने ये रहा। उस्ताद अमजद अली खान ने किसके सम्मान में प्रियदर्शनी नामक राग की रचना की थी? In whose memory did उस्ताद अमजद अली खान compose the राग प्रियदर्शनी? ए देविका रानी, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी इंदिरा गांधी, डी रुक्मणी देवी अरुंधले। मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। प्रियदर्शनी या तो इंदिरा गांधी या विजयलक्ष्मी पंडित, ये दोनों लग रहे हैं। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का नाम था, रुक्मणी देवी अरंडेल। इंदिरा गांधी का नाम था ना प्रियदर्शनी, बट शी वाज अ ग्रेट डांसर रुक्मणी देवी अरंडेल। सो क्योंकि वो भी खुद आर्टिस्ट हैं अमजद अली खान साहब, क्या उन्होंने रुक्मणी देवी के लिए ये बनाया है? क्या करें, हम लोग दोनों के बीच में दे दें, क्योंकि उनको प्रियदर्शनी कहते थे और ये काफी देर से उन्होंने कंपोज किया था, अभी नॉट सो लॉन्ग अगो, 10-15 साल पहले। क्या चल रहा है आपके मन में? इंदिरा गांधी चल रहा है। लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? लॉक कर दें। चलिए लॉक कर दें। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। आप क्या कह रही थी रत्ना जी? मुझे भी सी ही लग रहा है, लेकिन ये इतना ऑब्वियस जवाब है कि डर भी लग रहा है साथ में। अच्छा,
अनुराधा जी, जो अनुमान आपने लगाया था वो एकदम सही है। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। वेरी गुड। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस प्रसिद्ध केन्याई सामाजिक, पर्यावरण और राजनीतिक कार्यकर्ता को पहचानिए जो कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी महिला भी थी। एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। हु इज दिस रेनाउंड केनियन सोशल, एनवायरमेंटल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु वाज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन टू विन द नोबेल पीस प्राइज। ये देखिए तस्वीर। Yes, it's her. I hope I can recognize the name. She was responsible for a huge amount of agricultural changes in Africa. Options rakhta hun. A. Wangari Maathai. B. Greca or Gresa Machel. C. Ellen Johnson Sirleaf. Or is it D. Sophia Abdi Noor? I think it's Wangari Maathai. Because Wangari Maathai सुना हुआ नाम है, बाकी yes. सब इतने nice. सुने नहीं है, लेकिन sure उनकी शक्ल भी मुझे कुछ कुछ याद है। Wangari Maathai I think it's लेकिन पक्का नहीं है। पक्का नहीं है, definitely. Decide कर लीजिए और बताइए हमको आपस में। What do you say? Wangari Maathai मन कर रहा है, काफी 90% तक है पर 100% नहीं है, तो वो ही सोच रहे हैं कि लाइफलाइन लें कि नहीं लें। मैं तो निर्णय नहीं ले सकता हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ही को सोचना पड़ेगा। आप ही को सोचना पड़ेगा। और बेसिकली इन्हीं को सोचना पड़ेगा क्योंकि बड़ा। आई थिंक वी शुड ट्राई। कर लें। Wangari Maathai ए। Wangari Maathai कह रहे हैं, बहुत ही विचार विमर्श के बाद। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे यार अनुराधा जी, आप 640 नहीं जीतिएगा, आप 1250 जीतिएगा। यस, सो गुड, वेल डन, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये। Wangari Maathai को 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने 1977 में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, जो आप कह रहे थे, रत्नाजी हुसैन का स्थापना की थी, जिसमें लगभग 30 मिलियन पेड़ लगाए गए थे।